आधार कार्ड में आपने अपना एड्रेस चेंज किया है और पिता का नाम, तो आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? तो जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन किया है, इसके बाद अपडेट रिक्वेस्ट, यहाँ से आपने अपडेट किया है आधार और पिता का नाम, आपने अपना एड्रेस और पिता का नाम चेंज किया है, तो उसके लिए आपको स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए हमने डैशबोर्ड लॉगिन किया है, इसे लॉग आउट कर रहे हैं। लॉग आउट करने फिर आपको यहाँ पे आ जाना है माई आधार uid.gov। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, देखिए लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस। यहाँ पे आपको क्लिक कर देंगे तो जो आपने अपडेट किया है उसका SRN नंबर होगा, SRN नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे SRN नंबर 14 अंक का होगा, यहाँ पे आपको SRN नंबर डाल देना है। पहले यस रहेगा, इसके बाद अंक रहेगा, तो वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे SRN नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, हमने अपडेट किया था, अब देखिए हमारा अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे लिखा है योर आधार हैव बीन जनरेट विल योर आधार इज बिलिंग प्रिंटेड योर पोस्टेड टू यू प्लीज डाउनलोड ई आधार। तो ऐसे आप भी अपना SRN नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं आधार कार्ड का कि आपका अपडेट हो गया कि नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें।